बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा ने सदर मंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साइगलू में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता की। इस जनमंच में 77 शिकायतों व 225 मांगे प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर लिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से सीधे प्रसारण के माध्यम से आज के जनमंच की जानकारी प्राप्त की और लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ऊर्जा मंत्री ने जनमंच जैसी योजनाएं प्रारंभ करने के लिए उनका आभार जताया और उपस्थित लोगों और मंडी जिला की समस्त जनता की ओर से मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में अनिल शर्मा ने कहा कि जनमंच के माध्यम से प्रदेश सरकार सीधे लोगों के बीच पहुंच रही है और लोग विभागों से सवाल पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में रही वर्तमान की सरकार में जनमंच जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं एक अंतर पैदा करती हैं। लोगों की समस्याओं की जानकारी सरकार और विभागीय अधिकारियों तक जनमंच से पहुंच रही है और इनका मौके पर ही निपटारा होने से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। सभी अधिकारी पूर्व जनमंच चरण में भी काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि वे और अधिक प्रयास कर लोगों की विश्वास बहाली के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन को एक वर्ष पूर्ण हो चुका है और इस अवधि में पूरे प्रदेश सहित मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र का तीव्र गति से विकास सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि तुंगल क्षेत्र के लिए ब्रिक्स के माध्यम से लगभग 45 करोड़ रुपए की एक पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना की निर्मित हो जाने से ग्राम पंचायत कोटली, धनियारा, समराहण, डवाहण, फरगांव सहित आसपास के गांवों को प्रत्येक घर में नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पेयजल पाइपें बदलने पर लगभग 1,66,00,000 रुपए व्यय किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों के विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है और मंडी से बीरलाग, बरियारा, बग्गी बटाहर, ढंडहाल इत्यादि सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इससे पूर्व उन्होंने लोकसभा सांसद के साथ एक बूटा एक बेटी के नाम योजना के अंतर्गत पौधारोपण कर मंडी जिला के लिए इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार का यह एक सराहनीय प्रयास है और इसे बेटी के साथ जोड़कर समाज में लिंगानुपात में समानता लाने का संदेश भी निहित है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कुमारी प्रियांशी, अनायरा, काव्या, सारिका और लक्ष्मी के अभिभावकों को बधाई कार्ड, उपहार और एक एक पौधा प्रदान किया। बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत कुमारी पल्लवी, सुमायरा, सृष्टि, प्रेरणा और गार्गी को क्रमशः 10,000 रुपये और 12,000 रुपये की सावधि जमा राशि के ड्राफ्ट और एक बूटा बेटी के नाम योजना के पौधे प्रदान किए। इसके अतिरिक्त हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत शीला देवी, चिंता देवी, जयवंती, गीता देवी और सरस्वती देवी को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि जनमंच के माध्यम से प्रदेश सरकार ने जन समस्याओं के निपटारे को एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के स्वर्णिम घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया गया था और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे प्राथमिकता प्रदान करते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंचने का एक सार्थक प्रयास किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक कन्हैयालाल, सदर मंडल के अध्यक्ष मनीष कपूर, जिला उपाध्यक्ष रवि सिंह ठाकुर, युवा मोर्चा सदर के अध्यक्ष भुवनेश्वर ठाकुर, महामंत्री योगेश्वर ठाकुर, मंडल उपाध्यक्ष अरुण, अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा, अतिरिक्त जिला उपायुक्त पुनीत रघु सहित सभी विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।